विष्णु पुराण नवा अध्याय ज्योतिष चक्र और शिशुमार चक्र। श्री पराशर जी बोले, आकाश की भगवान विष्णु का जो शिशुमार अर्थात गिरगिट अथवा गौधे के समान आकार वाला तारामय स्वरूप देखा जाता है, उसके पुच्छ भाग में ध्रुव अवस्थित है। यह ध्रुव स्वयं घूमते हुए चंद्रमा और सूर्य देव आदि ग्रहों को घुमाते हैं। उन भ्रमणशील ध्रुव के साथ नक्षत्र गण भी चक्र के समान घूमते रहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र और अन्य नए समस्त ग्रह गण वायुमंडलमय डोरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं। मैंने तुमसे आकाश में ग्रह गण के जिस शिशुमार स्वरूप का वर्णन किया है, अनंत तेज के आश्रय स्वयं भगवान नारायण ही उसके हृदय स्थित आधार है। उतानपाद के पुत्र ध्रुव ने उन जगतपति की आराधना करके तारणमय शिशुमार के कुछ स्थान में स्थिति प्राप्त की है। शिशुमार के आधार सर्वेश्वर श्री नारायण है। शिशुमार ध्रुव का आश्रय है और ध्रुव में सूर्य देव स्थित है तथा हे विप्र, जिस प्रकार देव, असुर और मनुष्य आदि के सहित यह संपूर्ण जगत भगवान सूर्य के आश्रित है, वह तुम एकाग्र होकर सुनो। सूर्य देव 8 मास तक अपनी किरणों से 6 रसों से युक्त जल को ग्रहण करके उसे 4 महीनों में बरसा देते हैं। उससे अन्न की उत्पत्ति होती है और अन्न ही से संपूर्ण जगत पोषित होता है। सूर्य देव अपनी तीक्ष्ण रश्मियों से संसार का जल खींचकर उससे चंद्रमा का पोषण करते हैं और चंद्रमा आकाश में वायुमय नाड़ियों के मार्ग से उसे धूम, अग्नि और वायुमय मेघों में पहुंचा देते हैं। यह चंद्रमा द्वारा प्राप्त जल मेघों से तुरंत ही भ्रष्ट नहीं होता, इसीलिए अभ्र कहलाता है। हे मैत्रेय, काल जनित संस्कार के प्राप्त होने पर यह अभ्रस्त जल निर्मल होकर वायु की प्रेरणा से पृथ्वी पर बरसने लगता है। हे मुने, भगवान सूर्य देव नदी, समुद्र, पृथ्वी तथा प्राणियों से उत्पन्न इन 4 प्रकार के जलों का आकर्षण करते हैं तथा आकाश गंगा के जल को ग्रहण करके वे उसे बिना मेघादि के अपने किरणों से ही तुरंत पृथ्वी पर बरसा देते हैं। हिद्विजोतम, उसके स्पर्श मात्र से पाप पंख के धुल जाने से मनुष्य नरक में नहीं जाता, अतः वह दिव्य स्थान कहलाता है। सूर्य देव के दिखाई देते हुए बिना मेघों के ही जो जल बरसता है, वह सूर्य की किरणों द्वारा बरसाया हुआ आकाश गंगा का ही जल होता है। कृतिका आदि विषम अयुगम नक्षत्रों में जो जल सूर्य के प्रकाशित रहते हुए बरसता है, उसे दिग्गजों द्वारा बरसाया हुआ आकाश गंगा का जल समझना चाहिए। रोहिणी और आद्रा आदि सम संख्या वाले नक्षत्रों में जिस जल को सूर्य देव बरसाते हैं, वह सूर्य रश्मियों द्वारा अर्थात आकाश गंगा से ग्रहण करके ही बरसाया जाता है। हे महामुनि, आकाश गंगा के ये सम तथा विषम नक्षत्रों में बरसने वाले दोनों प्रकार के जलमय दिव्य स्नान अत्यंत पवित्र और मनुष्यों के पाप भय को दूर करने वाले हैं। हे द्विज, जो जल मेघों द्वारा बरसाया जाता है, वह प्राणियों के जीवन के लिए अमृत रूप होता है और औषधियों का पोषण करता है। हे विप्र, उस वृष्टि के जल से परम वृद्धि को प्राप्त होकर समस्त औषधियां और फल पकने पर सूख जाने वाले गौधूम, यव आदि अन्न प्रजा वर्ग के शरीर की उत्पत्ति एवं पोषण आदि के साधक होते हैं। उनके द्वारा शास्त्र विद मनीषी गण नित्य प्रति यथा विधि यज्ञ अनुष्ठान करके देवताओं को संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण यज्ञ, वेद, ब्राह्मण आदि वर्ण, समस्त देव समूह और प्राणी गण वृष्टि के ही आश्रित हैं। हे मनि श्रेष्ठ, अन्न को उत्पन्न करने वाली वृष्टि ही इन सबको धारण करती है तथा उस वृष्टि की उत्पत्ति भगवान सूर्य से होती है। हे मुनि वरोत्तम, भगवान सूर्य का आधार ध्रुव है, ध्रुव का शिशुमार है तथा शिशुमार के आश्रय भगवान श्री नारायण स्वयं है।
उन शिशुमार के हृदय में श्री नारायण स्थित हैं, जो समस्त प्राणियों के पालन करता तथा आदिभूत सनातन पुरुष है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में नवा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।